जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी का पाप, कंगाल परिवार और लाशों का कारोबार। आमतौर से जो खबरें आप देखते हैं, सुनते हैं, उससे इतर बात करने आया हूं, और ऐसी बात करने आया हूं जिसका भुक्तभोगी भारत का हर नागरिक है, फिर भी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ठीक इसके उलट है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके अगर आपने इस चैनल का मेंबरशिप ले लिया है तो आपका आभार, अभिनंदन। अगर आप इस चैनल का मेंबरशिप लेते हैं तो उस चैनल को मजबूती देते हैं। ठीक, अब देखिए, आपके सामने चिता जल रही है। वीडियो नहीं लगाया, बड़ा खतरनाक लगता है। दिल्ली के श्मशान घाट की बात कर ले या किसी भी मेट्रो सिटी के श्मशान घाट में बोलता हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं उधर ही जाता रहा हूँ। पिछले 5 सालों का एक डाटा आप कलेक्ट करना चाहें तो, नहीं तो गूगल पे है। ये जो भी लोग यहाँ पे हैं उनसे पूछिए कि आपके परिजन की मृत्यु कैसे हुई। वो तो बताएंगे कि हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थी, इतने दिन से थी, इतने खर्चे हो गए, नहीं बचा पाए। जमीन बिक गई, घर टूट गया, कंगाल हो गए, कर्जे में डूब गए। कुछ कहेंगे इंश्योरेंस था इसलिए जान बच गई, इसलिए जिंदा है। कुछ कहेंगे कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हॉस्पिटलाइज हुए थे और श्मशान घाट पहुँचे थे। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने जो आज की तारीख का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दिया जन आरोग्य योजना के तहत, PMJAY। मैं उससे बात करने के लिए आया हूं कि आखिर ये जो है जिंदा लोगों के शरीर का कारोबार ये मोदी जी ने बनाया, और जो भारत में जो एक इंश्योरेंस का इतना बड़ा कारोबार है कि कोई भी टीवी प्रोग्राम बिना इंश्योरेंस के ऐड के तो चलती ही नहीं है। तो ये मोदी जी ने भारत के 140 करोड़ की जनता को जो एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के मुंह में धकेल दिया है, जिसमें कि वो लोग भी हैं, बहुत ज्यादा हैं, जिनको कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की सुरक्षा थी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से। तो मोदी जी ने दे दिया है 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड दिया है। सीधी सी बात यह है कि वो तो सरकारी अस्पतालों में चलेगा नहीं, इसीलिए नहीं चलेगा कि सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये 5 लाख रुपए का कार्ड कौन सा काम करेगा? और जाहिर है कि 5 लाख रुपए का जो कार्ड है, जो इंश्योरेंस कार्ड है, वो पैसे सरकार देगी क्योंकि मोदी जी का कार्ड है। तो उस मोदी जी के कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल की नींवें मजबूत हो रही है, सरकारी हॉस्पिटल खोखले होते जा रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये जो कार्ड है वो आपको स्वस्थ रखेगा, सुरक्षित रखेगा, बीमारियों से बचाएगा और आपका घर नहीं बिकेगा। ये जो कार्ड है वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाएगा, आपका घर बिक पाएगा, आपको मार देगा, आपको श्मशान घाट पहुंचाएगा, ऐसी गारंटी दे दी है मोदी जी ने। उधर कोई नहीं देख रहा है, मोदी जी का जो प्रचार चल रहा है। मैं थोड़ा डाटा पे बात कर लेता हूं, ठीक, बहुत जरूरी है। हाँ, 1 लाख करोड़ बचा 5 सालों में आयुष्मान भारत स्कीम से, अक्टूबर 9, 2023 का रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स का। 1 लाख करोड़ बचा 5 सालों में आयुष्मान के हिसाब से। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के, ठीक। 27,343 हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं पूरे भारत में इस आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, जो कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं और पोर्टेबल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी देते हैं, ठीक है।
नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसका फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो 2018 से लागू है और आज की तारीख में 25.4 करोड़ इसके लाभार्थी हैं और इसका टाइटल है आयुष्मान भव जो कैंपेन है। ठीक, 177 आयुष्मान कार्ड आज बीइंग मेड पर मिनट, हर मिनट 177 आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 30 अस्पतालों में हर मिनट दाखिल हो रहे हैं लोग, किसी न किसी हॉस्पिटल में, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दाखिल हो रहे हैं। 33 राज्य यूनियन टेरिटरीज में ये योजना लागू है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं किया है। उनका कहना है जब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ही मरना है तो कार्ड की क्या जरूरत है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी, बेड नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर्स नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे। तो उस मोदी सरकार ने क्या किया कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना दे दिया और उसमें लाखों करोड़ के खर्चे कर दिए और उसके बदले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मजबूती दी, उसके दीवारें मजबूत की, बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर को भारत में एक कर दिया, जबकि उसे सरकारी अस्पतालों की नींवें मजबूत करनी थी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था, नहीं किया, क्योंकि वहां करने से प्राइवेट हॉस्पिटल्स मजबूत कैसे होते, भारत अमेरिका कैसे होता, यहां के लोग बैंकरप्ट कैसे होते। अब आप हमें ये बताइए कि आपके पास जो 5 लाख का कार्ड है, मैं और बड़ी बातों पे भी आऊँगा, ये थोड़ा सा लंबा एपिसोड होगा, आप बने रहिए। 5 लाख रुपए का कार्ड के बदले आप मोदी को वोट देंगे, 5 लाख कार्ड के बदले आप कंगाल होने के लिए मोदी को वोट देंगे, 5 लाख का जो कार्ड है वो उसके बदले सरकारी तंत्र, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की मिट्टी खराब करने के लिए मोदी को वोट देंगे। वो 5 लाख का कार्ड है, अपना जो शरीर का जो व्यापार होता है आपके थ्रू जो मोदी व्यापार कर रहे हैं उसके लिए वोट देंगे। वो 5 लाख का कार्ड है जहाँ से वो ख़त्म होने में वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी नहीं लगेंगे उन बड़े हॉस्पिटलों में, उसको लाश लाने के लिए, वापस लेने के लिए आपको घर की ज़मीनें बेचनी पड़ेगी, आप कंगाल हो जाएंगे, कर्ज से डूब जाएंगे, उसके लिए आप मोदी जी को वोट देंगे। देखिए, जो टॉप के कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जिसमें कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस है, नीबा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप्स वाले हैं, कैंसर परमानेंट है, वैल्यू पेंगुइन है, और भी ढेर सारे हैं, है ना, वो कितने का नाम ले आदमी। ये सब के सब जो इंश्योरेंस वाले हैं वो इसीलिए मार्केट में हैं, बनाए गए हैं कि उनका व्यापार मानव शरीर से हो, मानव शरीर के लाशों से हो, और वो सरकार की नियत है इतनी प्राइवेट इंश्योरेंस को और मजबूत करते देने के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड का 5 लाख की योजना बनाया है। और आप मरो वहाँ जाओ, यहाँ भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है इलाज के लिए। गहरी बात थोड़ी सी आगे करूँगा जो सीरियस बात है, अभी थोड़ी सी हल्की बात कर दूँ, एक डाटा दे देता हूँ, छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो हाईवे का जाल बना है ना पूरे देश में, प्रति किलोमीटर जो बनता है हाईवे की सड़कें जो बनती हैं वो 10 से 16 करोड़ रुपये की बनती है एक किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में 100 करोड़ से लेकर 160 करोड़ तक खर्च होता है और 10 लाख रुपए में एक वेंटिलेटर आता है। यदि 10 किलोमीटर हाईवे का कॉस्ट अगर वेंटिलेटर पे खर्च कर दिया जाए तो बड़े से बड़े राज्य की कायापलट हो जाएगी, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें हर में इतने बेड हो जाएंगे, इतने वेंटिलेटर्स हो जाएंगे कि कौन जाएगा फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। मैं ये कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी नहीं बिल्ड कर रहे हैं साजिश के तहत और मानव शरीर के तहत वो व्यापार कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, चाहे वो बड़े इंश्योरेंस कंपनी के पैसे लेकर के उनको इलाज करवा के चाहे 5 लाख से, वो सब के सब भारत की जो नींव है उसको खोखली कर रहे हैं। पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर है जहाँ बीमारियों से लोग मरते ही मरते हैं, आपको होगा तो आप मरेंगे। देखिए मैं बताता हूँ,
कॉरपोरेट सेक्टर वाले जो होते हैं ना, वही तो बड़े बड़े इंश्योरेंस ले लेते हैं, या कि अच्छे नौकरी में होते हैं तो ले लेते हैं, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार दे ही रही है, उसको मैंने डाटा बता ही दिया है। तो एक बेटी है और आप अकेले हैं, तो जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको इस बात को दिमाग में घुसा दिया जाता है कि आप तो मरेंगे, और बीमारी से मरेंगे, बहुत ऐसी बीमारी से मरेंगे जिसका इलाज संभव नहीं है। अगर आपने उस बीमारी का इलाज नहीं किया तो मरेंगे, और इलाज किया तो बिकेंगे, कंगाल होंगे। यही तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना। और यहाँ वो एक माहेश्वरी है, संदीप माहेश्वरी, मतलब वो तो मोटिवेटर है, लेकिन व्यवस्था के तहत मोटिवेटर है ना। उसके जुबान से ये ना निकले कि सरकार को सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। वो प्रचार कर रहा है कि भैया जरा सोचो, आप इतना कमा रहे हो, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ली तो आपके साथ क्या होगा, जरा पहले उसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट, आज के टाइम में बहुत जरूरी है, नहीं तो होगा क्या? आपने पैसा बचाया और अगर कोई बीमारी होगी तो कितनी देर लगेगी उस पैसे को खत्म होने? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। कितने लोग प्रैक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? सब कर पा रहे हैं। और कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई है। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है, ये होनी ही चाहिए। ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, क्योंकि अब छोड़ तो सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आपको ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मरने। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या खत्म होता है, और क्या होता है, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। सुन लिया ना, इसे कमीनापंथी कहते हैं, या फिर नॉलेज नहीं है। अब बहुत बड़ा नाम हो गया है, बहुत बड़ा ना मोटिवेटर है, बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन जो भारत की स्थिति है, परिस्थिति है, आचार है, विचार है, संस्कार है, जो यहाँ के लोग हैं, जो हमेशा से सदियों से जो स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त रही है भारत की, उसको मोदी ने एक झटके में ख़त्म कर दिया है। वो 5 लाख का कार्ड दे के उसके बदले में जितने भी टॉप के इंश्योरेंस वाले कंपनी हैं वो बखूबी कमा रहे हैं, खुल के कमा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो उसकी सरकार आ गई है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख में डिग्रियाँ मिलती हैं, वहीं करोड़ों में मेडिकल वाले लेते हैं ना, डॉक्टर बनाने की फीस लेते हैं ना। ध्वस्त हो रहा है भारत की जनता, भारत के लोग, भारत की व्यवस्था। देखिए बीमारियाँ जो हैं, जो खास बीमारियाँ हैं जिसके लिए आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो कैंसर है, दिल का हार्ट से एलिमेंट है, किडनी डिजीजेज हैं, लाइवर सिरोसिस है, अल्जाइमर डिजीज हैं, है ना। ये सब बीमारी अगर किसी को है, पहली बात तो ये बीमारी ईजाद की हुई है, उस पर फिर कभी बहस कर लेंगे, है ना, क्योंकि आप एलोपैथी में हैं, आपने कभी ज़िंदगी में आयुर्वेद देखे नहीं, आपने ज़िंदगी में होम्योपैथी देखी नहीं, ये बाबा रामदेव की मिट्टी पलीद हुई है, गालियाँ दे रहे हैं, और एलोपैथ वाले उसके लिए कोर्ट तक चले जाते हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे, है ना, उस पर प्रोस कॉन्स पर बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो बीमारियाँ हैं उससे जैसे कैंसर ही हो जाता है तो 16 लाख 18 लाख 20 लाख एवरेज खर्चे होते हैं। अगर आपका दिमाग टॉप फ्लोर, आप कोमा में चले गए हैं, तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, आपका सारे इंश्योरेंस के पैसे तो जाएंगे जाएंगे, आपके घरें भी बिक जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अब सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी एक आदमी को अनुभव हो, उसे वेंटिलेटर मिल गया हो, उसके मरीज वहाँ 1 महीने तक रहे हों, फिर वो अस्मशान घाट पहुँचे हों, तो वो आदमी चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि उसकी जेबें दुरुस्त है, वहाँ 1 पैसे नहीं खर्च हुए होंगे। ये सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, उसको ध्वस्त कर किया है, ख़त्म किया है मोदी ने। इंश्योरेंस वाले कैसे धोखा देते हैं आपको पता है? एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, सुन लीजिए। बेटा मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है, दिल बड़ा कमजोर है, जल्दी से क्लेम के पैसे दो और मैं जाऊँ। आंटी जी, ये पेपर्स बता रहे हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम पिछले 10 साल से है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 4 साल पहले ली है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया आपने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में, क्लेम नहीं मिल पाएगा। ये बेटा कुछ मेडिसिन खरीदी थी, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम करवा दो। आई वुड हैव लव टू हेल्प बट आपकी पॉलिसी में ओपीडी कवरेज नहीं है। बेटा मेरी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है, जल्दी से क्लेम करवा दो। अंकल जी, आपकी पॉलिसी सिर्फ 6 मंथ्स पुरानी है, का नी रिप्लेसमेंट हुआ ये स्लो ग्रोइंग इलनेस के वेटिंग पीरियड में आता है, तो सॉरी क्लेम नहीं मिल पाएगा। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जानिए, समझिए, सो दैट क्लेम के टाइम पे आपको इन लोगों की तरह डिसअपॉइंटमेंट ना हो। देख लिया ना, तो इंश्योरेंस एक आम आदमी के लिए है भी नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर में आप ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल तो है ही नहीं, जबकि हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बने हुए हैं आज़ादी के बाद से अब तक बने हुए हैं। और ये जो मोदी हैं वो बड़े बड़े एम्स बना रहे हैं, ये बना रहे किस लिए बना रहे हैं? 5 लाख का कार्ड के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बिल्ड करते? लोगों की
मतलब आपकी जान पे, आपके शरीर के कीमत पे, आपके घर की कीमत पे पक्का मकान दे रहे हो, बिकेगा कैसे वही 5 लाख कार्ड से? रोते हुए आपने लोगों को देखा है, चीखते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, भीख मांगते हुए देखा है लोगों को बीमारी की वजह से, सरेंडर करते हुए देखा है। दिस 5 लाख, ये जो 5 लाख का बीमा योजना है मोदी का, वो भारत की स्वास्थ्य सेवा का कलंक है, जंग है, ये कैंसर है, ये पूरे समाज को खत्म कर रहा है। जबकि मोदी को सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना था, वहाँ वेंटिलेटर डालने थे, वहाँ ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने थे, वहाँ बेड डालना था, ये 5 लाख का कार्ड दिया है। अब जिसके हाथ में आ गया है वो उसकी घरवाली प्रेग्नेंट होती है, बहू प्रेग्नेंट होती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, लूट गया, अरे आओ यार ये सरकारी पैसे हैं, इसका ऑपरेशन करो, सिजेरियन कर दिया। सबसे बड़ी बात ये 5 लाख रुपए का एक कार्ड लेकर के जो बीमारियां कैंसर हैं, जो लीवर सिरोसिस है, जो किडनी डिजीज हैं, जो एल्जाइमर्स हैं, जो हर्ट से एलिमेंट हैं, इसके लिए आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसका जो गेट कीपर है वही रोक देगा आपको, उस हॉस्पिटल के अंदर थूकने तक नहीं देगा। भाई इंटर की तो बात करें, जो कुछ हज़ार जो हॉस्पिटल्स जो मैंने बताया इनरोलमेंट हैं, वो सारे भी उस लेवल के नहीं हॉस्पिटल्स, उनको चाहिए आंख वाले हॉस्पिटल्स हैं, या डायबिटीज का बीमारी वाले हैं, या फिर वो छोटे मोटे ऑपरेशन कर लेने वाले हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं भैया जिनको कि उठना है, खड़ा होना है, सरकारी पैसे लेने हैं, वहाँ दलाली चलती है। और एक कार्ड जो है पूरे फैमिली के लिए भैया, किसी को भी फैमिली का मेम्बर बना दिया, किसी का भी इलाज करवा दिया, ये ऑल करप्शन का जड़ हो गया है, बहुत खतरा है। मोदी ने देश को विनाश के कगार पे ला दिया, हर आदमी को मौत का कार्ड दे दिया है। मोदी ने 5 लाख का कार्ड दे करके पूरे परिवार को मौत के करीब ला दिया है, क्योंकि कार्ड देने के साथ ही मोदी कहते हैं कि अब सरकारी अस्पतालों पे तुम्हारा भरोसा नहीं होना चाहिए, हमने तुम्हें कार्ड दे दिया है, तुम्हें हॉस्पिटल दिए हैं, वो हॉस्पिटल सरकारी तो है नहीं, वो तो कमाएंगे। ये जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके लिए कैंपेन किस किस लेवल पर चलता है आप सोच के पागल हो जाएंगे। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, आपने उसके क्लिनिक के लिए पेमेंट दिया है तो आपको क्या क्या राइट ये बताए जाते हैं? अरे भैया मेरे को जीने का राइट है, मेरे को इलाज कराने का राइट है, ये सरकारी हॉस्पिटल से मैं आया हूँ, वहाँ सरकार के पैसे लगे हुए हैं, हमारे टैक्स से लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, गंदगी है, सफाई नहीं है, लोग नहीं है, बेड नहीं है। कुछ दिन पहले 5 डॉक्टर सस्पेंड हुए थे सफदरजंग के दिल्ली का, जो है क्योंकि एक महिला आई थी उसका डिलीवरी जो हो गया हॉस्पिटल के बाहर हो गया, कुत्ते जैसे भौंकते हैं वहाँ के डॉक्टर क्योंकि सरकारी डॉक्टर हैं, वहाँ के जो नर्सें हैं बाकी स्टाफ हैं वो इतने इनह्यूमन के कह नहीं सकते। अरे उस सबको ठीक करना है ना, उस पे तो कंट्रोल करना है ना, वहाँ डिसिप्लिन लानी है ना, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था देनी है ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है ना, कि 5 लाख दे करके कहा तुम मरो, अपना घर बेचो, जहन्नुम में जाओ और हमें वोट दो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए इतना काम किया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो बताया मैंने पैसे बचे। अरे किसके बचे? सरकार के गए ना, टैक्स के पैसे गए ना, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल की दीवारें मजबूत हुई ना, वो उसका लूट खसोट बढ़ाना। वोट दे रहे हैं आप तो क्या शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी भी नहीं चाहिए आपको? आवाज भी ना उठाए, बोले ना, घर में बैठे रहिए, झाल बजाते रहिए, किसी की मृत्यु होगी तो रो लीजिए, भगवान की कृपा थी, घर बिक गया, जमीन बिक गया, तो चलिए ईश्वर ने ऐसा ही कहा था, फिर जी लेंगे। कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे, आपको ये सरकार मार देगी, मारने का इंतजाम कर लिया है, वो आपको कार्ड दिया है तो बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हैं वो सबके कार्ड्स वैलिड होंगे उनके साथ। यहाँ का हर नागरिक को जीने का अधिकार है, स्वस्थ जीने का अधिकार है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया जैसे श्लोक हैं, कौन सा सर्वे संतु निरामया, क्या हो रहा है ये? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस बात को मान के चलिए कि ये मोदी का पाप है, परिवार कंगाल हो रहा है, लाशों की भरमार हो रही है, और वो कार्ड है, वो ठगैती है, वो धोखा है, सरकारी नियंत्रण है उस पर, इसीलिए है कि उसको वोट चाहिए, सरकारी अस्पतालों की जो आधारशिला है उसी को ख़त्म कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने पर लग गए हैं, क्योंकि उन्हें ये दिखाना है कि हम तुम्हारे सेवक हैं, हमने 5 लाख दिया है, बाप के घर से दिया है 5 लाख रुपए, तुमने वो पैसे तुमने क्यों नहीं खर्च किए? सरकारी हॉस्पिटल्स
कुछ ज्यादा बनाने में, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में, वहां वेंटिलेटर्स मशीन लाने में, वहां एक्सरे मशीन लाने में, वहां अल्ट्रासाउंड मशीन लाने में, उसको मेडिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट से क्यों नहीं भरा ठूसा। जय सिया राम, हरिओम।